Avinash? 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 गुड मॉर्निंग। कहाँ हो यार अविनाश, कब से कॉल कर रही हो? तुम्हें कहीं बाहर जाते हो तो फोन लेकर नहीं जाना होता क्या? योगा करने गया था ना, हल्ला क्यों मचा रही हो? कितनी बार कहा है मैंने खिड़कियां खुली रखा करो, पॉजिटिविटी आती है घर में। पॉजिटिविटी? घर में पानी तक तो है नहीं। शिट यार, मेरे दिमाग से निकल गया। अरे गार्ड ने बोला था कि टंकी साफ हो रही है आज, तो पानी सुबह एक घंटे के लिए आएगा सर। यार अविनाश, तुम्हें अपनी चीजों से फुर्सत मिलेगी तब जाके तुम्हें कुछ याद रहेगा ना। पीने का भी नहीं है? कुछ नहीं है घर में। तुमने लाइफ में कभी कोई बॉटल भरी है? ये देखो तुम, मैं दिखाती तुम्हें, ये देखो खाली बॉटल। पानी। आधे घंटे से प्यासी बैठी हूँ, ना घर में कॉफी है, ना दूध है, ना पानी है। दिया, मैं रात को जब आ रहा था तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, काफी लेट हो गया था यार। यार तुम ना ये बहाने अपने पास ही रखो, एक दिन योगा नहीं करते तो क्या हो जाता तुम्हारा? अरे अभी तो योगा करना शुरू किया है, थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन की छुट्टी मिलती है यार मुझे, उसमें भी अकेले उठो, कोई बात तक करने वाला नहीं होता यार, इसलिए ना छुट्टी वाले दिन मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ। ठीक है, मूड खराब क्यों कर रही है? अविनाश हटो यार। क्या लेकर आऊंगा? प्लीज हटो, जाओ कॉफी लेकर आओ जल्दी। अच्छा मैंने ना एक शीर्षासन सीखा है, मैं बताता हूँ। क्यों मुझे नहीं देखना? प्लीज देखो, बहुत अच्छा करता हूँ। आज ही सीखा। तुम क्या कर रहे हो अविनाश, लग जाएगी तुम्हें। शिट, भागर उठो। बता क्या लेकर आऊँ? तुम लिख लो नहीं तो भूल जाओगे हमेशा की तरह। याद रहेगा, बताना। एक पैकेट बड़ा ओट्स, एक कॉफी, एक दूध, एक किलो आलू, एक किलो प्याज, एक पैकेट छाछ अमूल का मिले तो ही लेकर आना। ओके। एक ब्राउन ब्रेड। और कुछ? और एक बटर। ठीक है, थैला तो दे दे। यार ये लो। चल लेकर आता। चल फटाफट करवा दे यार। हाँ अजीत, हाँ तो भाई जरा अविनाश भाई का पैक कर जरा। और बता भाई अविनाश, क्या हाल चाल? बस बढ़िया यार। और कैसे चल रही है तेरी राइटिंग? बढ़िया चल रही है यार। पढ़ने आता जा, बता कुछ लिख रहा है फिल्म विल्म? हाँ काम चल रहा है भाई। सुन ना, तुझसे एक बात करनी थी। ना तू भाई दुबई में रहता है ना, वो ना एक जो क्या कहते हैं उसको जो मिलता है ड्यूटी फ्री से ना, एक वाइन का बोतल लेके आया है, दिखाऊं तुझे? छोड़ दी मैंने, बताया तो था तुझे। अरे नहीं यार, तू तो पीता है ना चुपके से साले। सही बता भाई, ले लो यार, मैं देख तो लो। चलो एक मिनट, इम्पोर्टेड है, दिखा। 2200 का कौन लेगा इसको, बहुत महंगा है। अरे ले लो भाई, मतलब 900 की खरीदी है, मतलब 950 दे देना। चलो ठीक है,
मेरी बीवी पीने नहीं देती भाई, प्लीज ले ले यार। पागल मैं नहीं लूंगा यार। वो अजीत पी जाएगा साला, नहीं तो मेरी बीवी का मतलब समझ रहे हो ना, मैं पीऊंगा नहीं। अब भाई बोलियो मत, किसी को मैंने बेचा है, ठीक है? चल ठीक है, पैक कर दे। ये लो पानी भी आ गया और सारा सामान भी आ गया। अच्छा सुनो, बाथरूम में थोड़ा सा पानी है, तुम मुंह हाथ धो लो। पानी है थोड़ा सा? थोड़ा सा है। ठीक है। अविनाश, कॉफी कहाँ है यार? अरे उसी में होगी ना। नहीं है यार, प्लीज देखो ना। अरे ये उसी में होगी, चेक करो। नहीं है उसी में होगी ना यार। बड़ा अजीब आदमी है यार। मैंने उसे बोला था कॉफी डालने के लिए, बट शायद डाली नहीं उसने। और तुम तो कह रहे थे तुमने सिगरेट और शराब छोड़ दिए, ये क्या है? ये शराब थोड़ी ना है, ये तो वाइन है, इम्पोर्टेंट वाइन है। अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुई है, 950 की मिल गई मुझे। उसका एक्चुअल प्राइस 2200 रुपये। पिछले महीने जनाब के पास खाना खाने के भी पैसे नहीं, इस महीने थोड़े से पैसे क्या आ गए, तो 950 की वाइन ले ली। क्या अगले महीने मेरा पेमेंट आ रहा है, सब सही हो जाएगा। देखती हूँ मैं कितने दिन चला दे तुम वो पेमेंट। जाओ ना यार कॉफी लेकर। अरे नो यार, बाहर बहुत गर्मी है, एक तो मार्केट यहाँ से इतना दूर है, मसाला अपना घर भी 5वें फ्लोर पे, फट जाती है आते आते। भूख लग गई, कुछ बना देना यार। मैंने कहा था तुमसे यहाँ पर फ्लैट लेने के लिए, कब से बोल रही हूँ प्रभा देवी में फ्लैट ले लेते, मेरी ऑफिस के भी पास पड़ता है। तुम्हें लेना था ना अंधेरी वेस्ट में, सॉलिट्यूड चाहिए तुम्हें, चाहिए तो भुग तो लो। आज ना हम बिना कॉफी के नाश्ता कर लेते। अविनाश नहीं ना यार, तुम्हें पता है ना कॉफी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, फिर क्यों बोल रहे हो? आज के लिए एडजस्ट कर लेते बस। यार अविनाश एडजस्टमेंट की बात मत ही करो, इस रिलेशनशिप में किसी ने सबसे ज्यादा एडजस्ट किया है ना तो वो मैं हूँ। अरे यार रिया तो फिर शुरू हो गई। मैं क्या फिर शुरू हो गई, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है ऑफिस जाने में, पहले यहाँ से पैदल स्टेशन तक जाओ, उसके बाद 2 भरी हुई ट्रेनें बदलो, सांस तक नहीं आती यार उन ट्रेन्स में। तुम्हारा क्या है, तुम तो पड़े रहते हो दिन भर घर में। मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ, मेरे काम के सारे ऑफिस है ना सब आसपास है, कौन सी मीटिंग कब आ जाए मुझे जाना पड़ता है यार। और प्लीज़ यार मैं तेरी वो प्रभा देवी की चौल में तो बिल्कुल नहीं रह सकता, यू नो ना, मुझे थोड़ा एकांत चाहिए। बस एक तो ना तुम्हारे जमींदारों वाले नखरे ही बहुत हैं। तो बात को कहीं और लेकर जा रही हूँ। मैं क्या बात कहाँ लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम कुछ करो या ना करो, पैसे तो मंगा लेते हो ना हर महीने घर से बेशर्मों की तरह। फिर एक काम करना, तू भी नौकरी छोड़ दे। मैं नौकरी छोड़ दूँ फिर कौन खिलाएगा मुझे? क्यों, तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खिलाऊंगा तुझे। तुम खिलाओगे? हाँ बस रहने दो, एक ड्रेस तक तो दिलाई नहीं जाती तुमसे। अबे यार ये पिछले 2 महीने है ना, 2 महीने पहले किसने दिलाई थी? बस मुझे पता था तुम वही 2 महीने पुरानी ड्रेस गिनवाओगे। 3 साल की शादी में 2 ड्रेस 3 सलवार कमीज और 4 ब्रा, उसमें भी ना दुकान के बाहर खड़े खड़े सांसें रुक रही थी तुम्हारी। क्या बकवास कर रही है यार तू। मैं क्या बकवास कर रही हूँ, दूसरों के पति क्या क्या करते हैं कभी कुछ सीखो। सुमित ने कंचन के लिए 3 BHK फ्लैट ले लिया बैंगलोर में, और हर महीने तो वो उसको गोल्ड दिलाता रहता है। मेरा क्या है, मुझे तो शादी में कंगन भी नहीं मिला था। अब देख तू शादी की बात लेकर आ रही है ना, अब मैं बताऊं तुझे, हमारी शादी में जो खर्चा किया था वो किसने किया था? मेरी फैमिली।
मेरे परिवार वाले तो आ गए थे ना एकदम बरातियों की तरह खाना खाने के लिए, उनकी औकात है कुछ खर्चा करने की? मेरा खानदान आ गया था, कितने लोग आए थे हमारे? 18। और तुम्हारे कितने आए थे? 700। 700 लोग कौन बुलाता है बारात में? और अगर बुलाए हैं तो खर्चा तो तुम ही करोगे ना, हम क्यों करें? अरे तू चिढ़ क्यों रही है? शादी की बात तो तू ही लेके आ रही है। एक सेकंड, कौन सा वर्ड यूज किया तुमने? औकात? तुम्हारी क्या औकात है अविनाश? तुमने क्या उखाड़ लिया? ऐसा कौन सा तीर मार लिया तुमने? अब देख तू फालतू का प्रोवोक कर रही है ना मेरे। तो तुम कर क्या लोगे? यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर अ फेलियर। I'm a failure. Yes, you are a fucking failure, Avinash. I'm a failure. 3 साल में एक नॉवल तक तो लिखी नहीं गई तुमसे, और मुझे नहीं लगता कि कभी लिखी भी जाएगी। सुन, मैंने तुझे पहले भी बोला है ना, मेरी नॉवल के बारे में कुछ मत बोला कर। हा? मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं उससे फर्क क्या पड़ता है? जो जैसा होता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। मैं कर रहा हूँ ना मेहनत दिन रात। मेहनत? बड़ा भारी मेहनत कर रहे हो तुम, दिखता है दिन भर पड़े रहते हो। कुछ पाने के लिए ना उठना पड़ता है, ऐसे पड़े पड़े किसी को कुछ नहीं मिला। क्या पड़े रहे तो पड़े लेकर लगा रखा तूने? ये मत करो वो मत करो, हर चीज से परेशानी तुझे। जब से तू मेरी लाइफ में आई है ना, यू फक माय लाइफ। आई फक योर लाइफ? यू फक माय लाइफ। आई हैव फक्ड योर लाइफ? यस। तुमने क्या कर लिया अविनाश 3 साल में? बड़ा कहते थे मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, कितने वादे किए, कौन सा पूरा किया तुमने? फक, तेरे से बात नहीं करी बहनचोद। मुझे भी बहुत कुछ करना था लाइफ में, शेयर मार्केट में जाना चाहती थी मैं। मुझे लगता था लाइफ के मेरा पति ये सब कुछ हैंडल करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, मुझे ही पालना पड़ रहा है तुम्हें। तू पाल रही है मुझे? हाँ मैं पाल रही हूँ। तू पाल रही है मुझे? मैं पाल रही हूँ तुझे। तेरी औकात है मुझे पालने की? औकात है तेरी? अविनाश, अविनाश यू हर्टिंग मी। I'm hurting you. Get out. इतलो मेरे कमरे से। क्या हो गया? अरे अविनाश भाई वो तो छोड़ दियो, क्या हो गया भाई साहब? ऐसे क्या देख रहे हो?
अविनाश भाई लोग देख लेंगे क्या हो गया पागल साला। वो बॉटल बहुत सुंदर है, मैं वापस नहीं कर पाया। वापस? I'm sorry. Sorry. It's okay. मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। देखना तुम एक दिन बहुत बड़ी बड़ी नॉवेल्स लिखोगे। सच में? तुम्हें डाउट है क्या? नहीं बस बस ना, फेमस हो जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। तुझ जैसी पागल लड़की को थोड़ी भूल सकता हूँ यार, बहुत तेज भूख लगी है रिया। बिल्कुल टेंशन मत लो, ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। तुम प्लीज एक अच्छी सी कॉफी बना दोगे? बस लो बना देता हूँ। पहली कॉफी ले आता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। हाँ सॉरी बोल तो दिया। इसे कहते हैं यूरोपियन ब्रेकफास्ट, ओट्स ब्रेड एंड वाइन। चीयर्स। तुम्हें पता है ना यूरोप में ब्रेकफास्ट में लोग वाइन नहीं जूस पीते हैं। हाँ पर ये तो इंडिया है, यहाँ तो कुछ भी चलता है। से बड़ा चपक रहा था आज उस लड़की के साथ। अच्छा वो, अरे बिल्डिंग में रहती है यार, ऐसे मिल गई बात कर ली, दैट्स इट। मानोगे तो तुम हो नहीं कभी, बहुत बड़े फ्लॉट हो। पागल है क्या? क्या पागल है, दिख नहीं रहा था क्या मुझे?